ये देखिए ये देखिए ये, ये हमने फुल जब किया तब देखिए किस तरीके जैसा लग रहा है कि गैस गैस को खूब तेज कर दिया जाता है उस तरीके की कुछ फीलिंग्स आ रही है। ये देखिए अब देखिए, हालांकि आपको कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा लेकिन यदि आप खुद करेंगे तब इसके फ्लेम का मजा ले पाएंगे आप कि आप कैसे जलता है। दोस्तों कोशिश करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि आप टेसअप क्लास से जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कृपया टेसअप क्लास से संपर्क करें। जैसा कि आपको याद होगा जब हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फ्लो, यानी कि ऊर्जा प्रवाह के आधार पर हमने रिएक्शन को अभिक्रिया को दो भागों में बांटा था, जिसे हम कहते थे एक को कहते थे इंडोथर्मिक और एक को कहते थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हमने काफ़ी अच्छे से देखा था, इसी में एक्सोथर्मिक जो था, हालांकि हमने इसको अच्छे से देखा था इसे भी देखा था, लेकिन इसमें एक इक्वेशन छूट गया था जिसको हम आज एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाएंगे। यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि वो रिएक्शन कैसे होता है। जनरली आप जानते होंगे कि जो एक्सोथर्मिक हिंदी में कहते हैं ऊष्मा क्षेपी, यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है निकलती है, और इसमें ऊष्मा देनी पड़ती थी और इसमें ऊष्मा निकलती थी, उसी का एक एग्जाम्पल है। जैसे कि ये एक होता है CaC2, जब इसको हम H2O से अभिक्रिया कराते हैं तो ये आपका बनाता है C2H2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जरा ध्यान दीजिएगा, यह एक बहुत ही, और साथ में निकलती है हीट, साथ में हीट अधिक मात्रा में निकलती है। अब देखिएगा यह जो रिएक्शन है वह एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है। जनरली यह है क्या, कैल्शियम कार्बाइड, यह क्या है कैल्शियम कार्बाइड, जिसे आप लोग जनरली मार्केट में कार्बाइड कहते हैं, और उसका हमारे पास आज है भी इसी, जैसे कि ये हमारे पास कार्बाइड का टुकड़ा है, इसे जनरली बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड, मार्केट में कार्बाइड कहा जाता है। फलों को पकाने में, जनरली आम को पकाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है हमारा कैल्शियम कार्बाइड होता है। और जब कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह बनाता है एसिटिलीन, यह है एसिटिलीन गैस है, यह है आपका एसिटिलीन है, ठीक है, जिसे हालांकि एसिटिलीन मार्केट वाला नाम है लेकिन अगर इसका IUPAC नाम देखा जाए तो वो हो जाएगा एथाइन, एल्काइन ग्रुप का है तो एथाइन इसका IUPAC नाम होता है, जो एसिटिलीन होता है। यानी कि जब हम इस कार्बाइड को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, एसिटिलीन गैस निकलती है, और साथ में जो अवक्षेप बनता है वो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और हीट भी आपकी निकलती है। अब यह जो एसिटिलीन गैस होती है यह बहुत ही ज्वलनशील होती है, फ्लेमेबल होता है, जैसे ही इसमें थोड़ा सा भी आप इस पर मतलब कि माचिस की तिल्ली जलाओगे तो यह तुरंत क्या करता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है, जैसे कि एसिटिलीन बनाने के लिए हम कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, तो जनरली कार्बाइड होता है, जिसे मार्केट में कार्बाइड आप लोग कहते हैं, उसका मेन जो फार्मूला होता है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड होता है। यह पानी के साथ बैलेंस कर लीजिएगा, हम यहाँ पे बैलेंस नहीं करने वाले हैं, बैलेंस आप लोग इक्वेशन में कर लेंगे। यह एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और खुशी की बात यह है कि जब एसिटिलीन गैस, मतलब कि सबसे पहले जब एसिटिलीन गैस बनी थी, कब बनी थी, 1836 में जब एसिटिलीन गैस बनी थी, तो वह एसिटिलीन गैस को एक साइंटिस्ट थे डेवी, क्या नाम था, डेवी नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है सबसे पहले एसिटिलीन गैस को बनाया था। और खुशी की बात यह है कि जब उन्होंने एसिटिलीन गैस बनाया था तो इसी मैथड का इस्तेमाल किया था। उन्होंने भी एसिटिलीन गैस बनाने के लिए क्या किया था, तो ये कैल्शियम कार्बाइड को लिया था और पानी से अभिक्रिया करा करके एसिटिलीन गैस बनाया था, और इस एसिटिलीन गैस को उन्होंने जला कर दिखाया था। कुछ हमारे पास इसी तरह का सेटलमेंट है, जनरली कि आप देख सकते हैं हमारे पास यह एक बोतल है, और इस बोतल से हमने एक स्लाइन पाइप जिसे आप लोग कहते हैं पानी चढ़ाने वाला पाइप, ठीक है, उसको हमने कनेक्ट कर रखा है। यहां पर आप देख सकते हैं यह पाइप है, और इससे हमने एक स्लाइन पाइप जो कि पानी चढ़ाया जाता है वो हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ढक्कन जो है इसका, हमने इसमें एक होल करके, अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें हमने एक होल करके जो है हमने क्या किया है कि इसे होल करके आज इसके आर पार निकाल करके फिर यहाँ से हमने इसको पैक कर दिया है, मिट्टी और फेविक्यूब के थ्रू पैक कर दिया है, ताकि एयर मतलब कि गैस जो इसमें बनेगी वो गैस यहाँ पर लीक ना हो, ठीक है। और साथ में हमारे पास है पानी का बॉटल, यानी कि हम इस कैल्शियम कार्बाइड का, जो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है, इसका रिएक्शन हम पानी के साथ कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे ऐसे क्लीन गैस बनती है और कैसे जलती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस कागज़ पे हमारे पास ये कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा है और साथ में ये पानी है। क्योंकि इस कैल्शियम कार्बाइड को हमें इस बोतल में भरना है, इसके लिए हमें इसे तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जो है इसे कई टुकड़ों में कर दिया है, अब हम क्या करते हैं इसे बोतल में भर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस बोतल में कैल्शियम कार्बाइड को भर लिया है, ये कैल्शियम कार्बाइड, अब इसमें हम क्या मिलाएंगे, पानी। तो जनरली हमारे पास इस बोतल में पानी है, पीने वाला पानी है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। जनरली पानी इसे पीकर हम देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, सिंपल सा पानी है, ठीक है। तो इस पानी को जो है अब हम इसमें ऐड करते हैं, आप देख सकते हैं जैसे ही पानी हमने इसमें ऐड करना शुरू किया, इसमें एक अलग सी, पता नहीं शायद आप देख पा रहे हो कि नहीं, एक अलग सी इसमें बजबजाहट हो रही है,
और इसको हम बोतल को थोड़ा सा दबा करके, इसे हम बंद कर देते हैं। ये हमने बंद कर दिया, ये बॉटल पूरी तरीके से टाइट हो चुका है, एकदम टाइट हो चुका है ये बॉटल, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से एसिटिलीन गैस, इसमें पूरी तरीके से एसिटिलीन गैस बन चुकी है, भर चुका है, जिसकी वजह से यह बॉटल देख सकते हैं दबा रहे हैं, या बॉटल दब नहीं रहा है, मतलब इसमें एसिटिलीन गैस पूरी तरीके से भर चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इस एसिटिलीन गैस को, हमने कहा कि एसिटिलीन गैस ज्वलनशील होता है जो तुरंत ही आग पकड़ लेता है, यहाँ से हमने इसे कंट्रोल कर रखा है, जैसे ही हम यहाँ से ऑन करेंगे यहाँ से गैस निकलना स्टार्ट होगा। देखिएगा, यह है हमारे पास माचिस की तिल्ली, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एकदम अच्छे से दिख रहा होगा कि किस तरीके से एसिटिलीन गैस जल रहा है। ये देखिए ये एसिटिलीन गैस है, यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, यहाँ से हम जैसे ही इसको टेस्ट कर रहे हैं, देखिए एसिटिलीन गैस किस तरीके से जल रही है। और इससे बेशक यदि आप हाई अमाउंट में एसिटिलीन गैस जनरेट करते हैं तो वहीं करते हैं, हम लोग वेल्डिंग यूज़ करते हैं और इसका इस्तेमाल खाना पकाने में भी कर सकते हैं। और ये बॉटल आपने देखा, हमने कितना छोटा सा टुकड़ा लिया था, इतना बड़ा हमने टुकड़ा लिया था, जो जनरली आपको मार्केट में मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 20-30 रुपये में आपको मिल जाएगा उतना बड़ा टुकड़ा। और फिर आपको ये सलाइन पाइप आपके मार्केट में मिल जाएगा सर्जरी स्टोर पर। और ये देखिए एसिटिलीन गैस कितनी मजे के साथ, ये देखिए कितने मजे के साथ, इंटरेस्ट के साथ ये एसिटिलीन गैस जल रही है। हालांकि यहाँ पर जो एसिटिलीन गैस बनता है वो एसिटिलीन गैस पूरी तरीके से प्योर नहीं होता, उसमें फॉस्फीन, हाइड्रोजन सल्फाइड ये सारी चीज़ें मिली होती हैं, उसके बावजूद ये इस तरह जल रहा है। अगर पूरी तरीके से प्योर एसिटिलीन, यानी कि इसमें जो गैस बन रहा है उसको हम प्योरीफाई कर दें, तब आप सोचिए कि वह प्योर एसिटिलीन किस तरीके से जलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेजी के साथ यह एसिटिलीन गैस अभी भी पूरी तरीके से बॉटल भरा हुआ है और एसिटिलीन गैस किस तरीके से जल रहा है। आइए सर, आप भी थोड़ा इसका मजा लीजिए। आपको सर ने बताया था कि ये एसिटिलीन गैस कैसे आपके सामने वर्क करता है। इन्होंने सबसे पहले हमसे कहा था, आज से 2-3 दिन पहले हम लोगों ने ये वीडियो बनाने का कोशिश किया था, क्लास में सोचे थे हम लोग बना लेंगे, किसी कारणवश हम लोग बना नहीं पाए थे, तो शायद हमें भी लगा था कि हो सकता है 1-2 मिनट जल के और ये अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन जहां तक आप अभी देख पा रहे होंगे इस बॉटल में, और हमको लग रहा है कि अभी भी इस बॉटल में पूरी मात्रा में गैस है, क्योंकि मैंने पूरा प्रेशर अपना अटेंड कर रहा हूं, लेकिन पूरे प्रेशर लगाने के बाद भी अभी ये बॉटल दब नहीं रहा है। तो सर मुझे तो लग रहा है कि अभी आधे घंटे तक ये जलता रहेगा। आपका ₹20 के टुकड़े में आधे घंटे तक लाइट मिल रही है, यानी जो गैस वेल्डिंग वाले दुकान पे काम होते हैं, आप लोग जाते होंगे नॉर्मली, आपका कोई भी सामान अगर टूटता होगा आप गैस वेल्डिंग कराने जाते होंगे, वहां पे आपने देखा होगा कि वो कैसे वेल्डिंग करते हैं, उस समय आपके मनों में भी ख्याल आता होगा कि आखिर इसमें कौन सा गैस है और इनको कितना फायदा होता होगा। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिएगा वो टैंक कितना बड़ा होता है और उसमें कितने का गैस होता होगा और कितने देर तक वो जलता होगा। हमारे पास तो मात्र ₹20 का था सर, आइए एक्सप्लेन कीजिए बच्चों को। ये मात्र ₹20 का है, अभी इसमें खर्चा आपका ₹20 का लगा है और ₹20 में है सर, आइए एक्सप्लेन कीजिए बच्चों को और इसके बारे में क्या है ये। तो जैसा कि आपने देखा कि सर, जैसे कि बताया सर ने, जैसे कि कंट्रोल करके दिखाया, काफ़ी तेजी के साथ गैस निकल रही थी। ये देखिए ये हमने फुल जब किया तब देखिए किस तरीके, जैसा लग रहा है कि गैस को खूब तेज कर दिया जाता है, उस तरीके की कुछ फीलिंग्स आ रही है। ये देखिए अब देखिए, हालांकि आपको कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यदि आप खुद करेंगे तब इसके फ्लेम का मजा ले पाएंगे आप कि आप कैसे जलता है। दोस्तों कोशिश करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि आप टेस्ट क्लास से जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कृपया टेस्ट क्लास से संपर्क करें। जय हिंद।